नमस्कार, जरहट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा किसी से छुपी नहीं है और आप उनके आशीर्वाद को पाकर जीवन में ज्ञान हासिल कर सकते हैं। नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ एक हर रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को संभाल देती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। ये माँ का स्वरूप है। आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। माता ब्रह्मचारिणी की व्यक्ति को कथा पढ़नी चाहिए और ध्यान से सुननी चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तप सारणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे 3000 वर्षों तक टूटे हुए विल्व पत्र खाए, भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे विल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या ये माता करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आप में ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ आप घर लौट जाओ, जल्दी ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की देवी कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। तो ये माँ ब्रह्मचारिणी की कथा थी। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो को काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोजाना इसी प्रकार से वीडियो